तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस समय अमृतसर के गोरेला चौक। यहां से मुझे मिलेगा राइट साइड की तरफ अगर मैं निकलता हूं तो मुझे मिलेगा गोल्डन टेंपल और क्या कहते हैं जलियांवाला बाग, दोनों ही हमारे राइट साइड की तरफ है। और मैं इस चौक को अभी आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद जो है ये जो चौक आप देख रहे हो पीछे इसके, ये चौक पहले घुमाता हूँ फिर उसके बाद मैं गोल्डन टेम्पल की तरफ चलता हूँ। तो आइए पहले चौक घूमते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हो बैकपैकर कश्यप व्लॉग और आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और आइए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, सीधा सीधा पहले गोरेला चौक घुमाता हूँ फिर उसके बाद आगे की बातें करता हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने ये चौक, सीधा कितना ज़बरदस्त चौक है और सामने घोड़े के ऊपर ये बना हुआ है, ये महाराजा रणजीत सिंह चौक। ये जो स्टैचू लगा है महाराजा रणजीत सिंह का लगा हुआ है, लोग इनको गोरेला चौक बोलते हैं, महाराजा रणजीत सिंह चौक। और चौक के चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त सूफी नज़ारा है। और बगल में अच्छे खासे रेस्ट होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ये आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में पता करना होगा, ये शायद पंजाब रंग है, ये म्यूज़ियम है, इसके ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इधर की तरफ आप अगर जाएंगे तो इधर मार्केट है, यहाँ से जहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, लोकल स्ट्रीट शॉपिंग पूरा मार्केट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो मेरे राइट साइड यहाँ पर खाने वाने के स्टॉल्स वगैरह है और इधर कपड़े वगैरह शॉप्स है, स्टॉल्स है यहाँ पर खाने की, बहुत सारे आपको खाने के आइटम्स मिल जाएंगे। ओए होए होए क्या बात है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको टिक्की वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फूड वगैरह खाने के मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, स्ट्रीट फूड चाय वगैरह सब मिल जाएंगे ये सेक्शन से। इधर यहाँ से फिर इधर की तरफ भी जाएंगे जहाँ पे आपको जूतियाँ वगैरह बहुत सारे मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सस्ते दामों में। और फिर आइए आप इधर के सेक्शंस में भी देख सकते हैं जूतियाँ कपड़े वगैरह के सारे शॉप्स हैं, बहुत ही आम पापड़ बढ़िया आम पापड़ हर चीज़ें मिल रही हैं भाई खाने की, ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह सब शॉप्स वगैरह है, मार्केट है यहाँ पर। ओह क्या भाई साहब ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कंगन वगैरह सब मिल रहे हैं। ओह तो मैं चौक से सीधा इधर की तरफ निकल गया हूँ और यहाँ से सीधा अगर मैं जाऊँगा तो गोल्डन टेम्पल की तरफ पहुँच जाऊँगा। तो चलिए सीधा सीधा चलते हैं, गोल्डन टेम्पल ही आपको दिखाता हूँ, बाकी आप यहाँ का स्ट्रीट मार्केट गोल्डन टेम्पल जाने के लिए देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा लगा हुआ है, हर चीज़ें शॉपिंग देख सकते हो, ये आप देख सकते हो क्या भाई साहब टड्डी भाई, ओहो क्या भाई साहब ज़बरदस्त मार्केट है, लोग वॉक कर रहे हैं, मतलब एक मॉल रोड टाइप का फील आ रहा है, तो जहाँ पर अगल बगल दुकानें हैं पूरा स्ट्रीट मार्केट है ये बहुत बढ़िया सा। ये देखिए सच्ची जी बैठी है 5 रुपये में वज़न, बाकी आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह बहुत प्यारे से करवा रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहाँ पे लोगों ने कैमरा वगैरह, ओहो ये देखिए क्या बात है भाई साहब, ओह हो ज़बरदस्त। तो यार इतना अच्छा मार्केट है, मॉल रोड टाइप का फील आ रहा है, तो मैं पूछता हूँ इस जगह को क्या क्या कहते हैं, मॉल रोड क्या है, ये इस जगह का नाम क्या है पता करते हैं। डोमिनोज चौक यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे अगल बगल भाई साहब, बहुत प्यारा एरिया है। मेरे शाम का वीडियो यहाँ का बनाने का मकसद यही था कि शाम का यहाँ का मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में, क्योंकि लाइटनिंग वगैरह बहुत ही सूफी सी लाइटनिंग होती है, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा एरिया है। देखिए ठीक सामने मेरे जलियांवाला बाग है और शायद अभी बंद है। तो
तो ये है जस्ट पीछे आई थिंक जलियांवाला बाग। ओके तो दोस्तों ये है जलियांवाला बाग, यहाँ पर जो कि है टाइमिंग आप देख सकते हैं, टाइमिंग है यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से लेके शाम के 7:00 बजे तक खुलने का समय है। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा ध्वनि और प्रकाश शो का समय, मतलब ध्वनि और प्रकाश शो दिया जाएगा जो कि शाम को होता है 6 से 6:30 और हिंदी में होता है 6:45 से 7:15, मतलब आधे आधे घंटे का शो है, लाइट शो। तो अभी ये बंद हो गया है जलियांवाला बाग। अब हम सामने ठीक हमारे गोल्डन टेंपल है, गोल्डन टेंपल पहुंचने से पहले इस मार्केट को और घुमाता हूँ मैं, बहुत प्यारा सा मार्केट है ये। जलियांवाला बाग तो मैंने देख लिया है, अगर घूमना होगा तो मुझे मॉर्निंग में आना पड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं ये स्टैचू जो स्कल्पचर बनाया गया है, ये उन शहीदों को मतलब सम्मान के तौर पे बनाया गया है जो कि जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे, को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से स्टैचू को बनाया गया है और उनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर चौक पर ठीक जलियांवाला बाग के ठीक सामने बनाया गया है। जहाँ उसके आप मतलब राइट साइड में देखोगे तो आपको गोल्डन टेम्पल मिलेगा। तो आइए चलिए हम चलते हैं यहाँ पर घूमने के लिए जलियांवाला बाग में। जैसा कि मैंने बता दिया यहाँ पर शो होते हैं रात में, लाइट शो होते हैं, लाइट साउंड शो होते हैं। तो आइए चलिए, इधर भी है बहुत सारा मार्केट एरिया, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो आइए इधर का भी मार्केट एरिया दिखाता हूँ भाई। वो भाई सरदार जी से जो होते हैं ना तलवार वगैरह, क्या बात है, आइए देखा जाए क्या तलवार। चलो फिर तलवार देख लेते हैं भाई, अच्छे अच्छे तलवार बना रखते हैं भैया, मुझे तो साल। ये सामने देख सकते हो भैया, अरे ये क्या है, सिख कम्युनिटी डिमांड जस्टिस। ये कैसा जस्टिस है भाई, सिख कम्युनिटीज़ यहाँ पर है सेक्शंस इन जस्टिस ऑफ वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय गवर्नमेंट विद सिख कम्युनिटी। ओके और यहाँ पर आप देख लो भैया, तो यार कितना सूफी सा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर, बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है भाई। यहाँ पे तो मुझे काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है क्योंकि वॉक करते हुए आ रहा हूँ, ये पूरा मॉल रोड जैसा फील हो रहा है। और ये पूरा सेक्शन गोल्डन टेम्पल का एरिया है, यहाँ पर आप अच्छा खासा वॉक करते हुए आ रहे हो और चारों तरफ जो है मार्केट लगे हुए हैं, स्ट्रीट मार्केट आप देख सकते हो कितना सही। फाइनली हम पहुँच गए हैं गोल्डन टेम्पल। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब गोल्डन टेम्पल, जहाँ हम पहुँच चुके हैं और मैंने खरीद लिया है क्या कहते हैं भाई ये, और इसको सर पे अभी बांधूंगा, और क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बांधते हैं एज अ सिख लोगों का सम्मान में, ये एक इनकी प्रथा होती है। आइए चलते हैं भाई, दूध वगैरह सब मिल रहा, दूध पी लूँ क्या। और ठीक यहाँ पर श्री प्राचीन देव जी का मंदिर भी है, आज शनिवार भी है, प्राचीन मंदिर भी है। तो दोस्तों यहाँ गोल्डन टेंपल आकर मुझे जो शांति मिल रही है वो पूछिए मत। आप जिस तरह से लोग देख सकते हो, क्राउड है, लोग आराम से नीचे बैठे हुए हैं इधर उधर अपनी अपनी जगह पर, और हल्का हल्का सा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही शांति फील हो रही है, माइंड फ्रेश हो गया। बहुत ही प्यारी जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। फिलहाल अब मैं जाता हूँ टेंपल के अंदर, गोल्डन टेंपल के अंदर, टेंपल के अंदर। क्राउड यहाँ पर साइड में है, देखते हैं, पर आप देख सकते हो प्लेस, लोग कितना अच्छी तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, मतलब एक अजीब सी शांति है यार भाई, सही बता रहा हूँ, आप देख सकते हो एक अजीब सी शांति है, अच्छी शांति, अजीब सी नहीं बहुत ही अच्छी शांति है। तो क्या करना होता है यहाँ पर,
थैंक यू। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर है जूता रखने की फ्री सेवा, कोई चार्जेस नहीं है, लोगों की श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे जूता चार्जेस आप देना चाहे तो दे सकते हैं, पर मैंने पूछा नहीं, चार्ज देना चाहूँ अपनी श्रद्धा से दे सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जूता रख लिया हूँ, अब आगे हाथ वगैरह धो के फिर अंदर टेम्पल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अमृतसर रेलवे स्टेशन से अगर आप गोल्डन टेम्पल आ रहे हैं तो मात्र सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये जो है ई रिक्शा वाला लेता है पर हेड, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ का माहौल एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं, इस समय रात के बज रहे हैं 10:30, बहुत ही अच्छा वेदर है दोस्तों और बहुत ही अच्छा मुझे शांति यहाँ पर मिली है। आप देख सकते हैं कितना पीसफुल एरिया है, ये बहुत ही अच्छी जगह बैठने की है। अगर रात अगर आप यहाँ गुजारना चाहें तो आप पूरी रात भी यहाँ गुजार सकते हैं। खैर दोस्तों, तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग गोल्डन टेम्पल का, अमृतसर का। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, तो मैं आपके लिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा।